नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक एग। इसके लिए हमने लिया आधा किलो पालक, उसे अच्छे से वॉश कर उबाल कर हमने मिक्सी में पीस लिया है। 8 अंडे लिए हैं, इनको भी हमने उबाल कर छील लिया है। 2 प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 3 टमाटर और 4 हरी मिर्ची को भी हमने मिक्सी में पीस लिया है। 2 चम्मच हमने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। 150 ml लिया हमने फ्रेश क्रीम। 1 इंच अदरक को भी हमने लंबा लंबा काट लिया है। चलिए इसे बनाते हैं। एक पैन ले लेंगे, गैस ऑन कर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। ये गर्म हो गया। सबसे पहले जो उबले हुए अंडे हैं इनको हम सौते करेंगे। हाँ, इसको डालने के बाद गैस को हम मीडियम कर देंगे। इसको चलाते हुए इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमने सौते करना है। इसको सौते करने में हमारे 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये एग हमारे हो गए हैं, इसमें कलर आ गया है। गैस को बंद कर देंगे, इसको साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। ये गर्म हो गया, छोटा टुकड़ा डाल देंगे इसमें दालचीनी का, और 1/4 टीस्पून डाल देंगे जीरा। ये भी फूल के ऊपर आ रहा है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। इसको भी तेज गैस पर भून लेंगे हम 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए। ये भी हो गई है। अब सबसे पहले इसमें हम नमक डाल देंगे, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, इसे मिक्स कर दें। अब डाल देंगे इसमें जो हमने लंबा लंबा काट रखा है अदरक, वो भी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्ची जो हमने पीस रखी है, उसको भी डालकर 2 से 3 मिनट तक तेज गैस पर भून लेंगे चलाते हुए। टमाटर हमारे हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच जो लिया हमने, उसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, मिक्स कर दें। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अमचूर डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पीस रखा है पालक, उसे भी मिक्स कर देंगे इस मसाले में। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है इस ढंग से, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो हमने सौते करके रखे हुए अंडे उसको भी मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढककर कम गैस पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम सब्जी को देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम इसे चला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे क्रीम जो हमने रखी हुई है, इसे भी मिक्स कर देंगे। हाँ, अगर इस ढंग से आप सब्जी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगी। ये हमारी सब्जी तैयार है, इसे आप बंद कर दें। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।